हेलो दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे लारावेल में स्ट्राइप पेमेंट कैसे होता है। तो दोस्तों, मैं आपको ये चीज़ यहाँ पे दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में कि लारावेल में दोस्तों स्ट्राइप पेमेंट जो है वो कैसे काम करता है और कैसे हम उसका पेमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले आपके पास स्ट्राइप का अकाउंट होना ज़रूरी है। तो मेरे पास वो स्ट्राइप का अकाउंट है और यहाँ पे लॉगिन भी है, ठीक है। और दोस्तों, यहाँ पे अगर आपके पास लारावेल का जो प्रोजेक्ट है उसमें आपको एक पैकेज इंस्टॉल करना है तो ये चीज़ यहाँ पे हम इंस्टॉल कर दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट है डेस्कटॉप पे वीडियो नाम का फोल्डर, उसके अंदर लारावेल 9 का फोल्डर, उसके अंदर हमें जो पैकेज है वो यहाँ पे इंस्टॉल कर रहे हैं। तो ये पैकेज दोस्तों यहाँ पे स्ट्राइप का जो डिपेंडेंसी है वो यहाँ पे है, तो इसको जो पैकेज है वो यहाँ पे इंस्टॉल करना ज़रूरी होता है। तो ये पैकेज हम यहाँ पे इंस्टॉल कर लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों इंस्टॉल होने में थोड़ा टाइम लगेगा, लाइब्रेरी क्लोन होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारा जो स्ट्राइप का जो डिपेंडेंसी है वो यहाँ पे कंपोजर की मदद से हमने यहाँ पे इंस्टॉल किया था, तो यहाँ पे दोस्तों वो हो गया है। अभी दोस्तों यहाँ पे कंट्रोलर बना लेते हैं, PHP आर्टिजन मैक कॉलन कंट्रोलर स्ट्राइप कंट्रोलर, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा स्ट्राइप कंट्रोलर बन गया, उसके अंदर पूरा कोडिंग करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा स्ट्राइप कंट्रोलर बना है, उसके अंदर एक फंक्शन बनाएंगे, ठीक है, फॉर्म का। तो यहाँ पे दोस्तों फॉर्म पेज जो है वो यहाँ पे बना लेंगे, blade.php रिटर्न व्यू फॉर्म, ये चीज़ हो गई। तो यहाँ पे दोस्तों रिसोर्स फोल्डर के अंदर व्यू के अंदर एक फॉर्म बनाएंगे। यहाँ पे दोस्तों स्ट्राइप का फोल्डर बना देते हैं, स्ट्राइप डॉट फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ हो गई। इसके अंदर दोस्तों एक फोल्डर बना देते हैं, न्यू फोल्डर स्ट्राइप का, ठीक है। और उसके अंदर दोस्तों ये जो फॉर्म का जो पेज है वो यहाँ पे बनाएंगे स्ट्राइप फोल्डर के अंदर। तो यहाँ पे दोस्तों फॉर्म डॉट ब्लैड डॉट PHP, यहाँ पे दोस्तों ये चीज़ हो गई। सिंपली एक यहाँ पे आपको फॉर्म टैग लेना है, ठीक है। एक्शन में आपको एक चीज़ करनी है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर राउट दे देना है, सिंपली राउट के अंदर फॉर्म सबमिट या ऐसा कुछ मैक पेमेंट ऐसा कुछ बना सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों मेथड जो है वो पोस्ट, ये चीज़ कर दिया हमने। और दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि लारावेल की स्ट्राइप की जो डॉक्यूमेंटेशन है उसमें आप यहाँ पे सर्च करेंगे, ठीक है, चेकआउट, ठीक है, माइग्रेशन गाइड, तो आपको यहाँ पे पूरा उसका सेटअप मिल जाएगा। तो ये दोस्तों यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखा हुआ है, तो इसको हम पूरा सेटअप करेंगे। उसके अंदर जो स्ट्राइप का पेमेंट है वो लारावेल में कैसे होता है, तो वही चीज़ बेसिकली यहाँ पे कैसे आपको सेटअप करनी है वो चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे पूरा चीज़ वो दिया गया है कि आपको पूरा कैसे सेटअप करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो जो जो आपको अच्छा लगे वो चीज़ जो आपको अपने हिसाब से सेटअप करनी है अपने प्रोजेक्ट्स में, तो वो चीज़ आप कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों कई सारे एग्जाम्पल दिए गए, लेकिन इसको हम कॉपी करते हैं सिंपली, ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों रख देते हैं। फॉर्म टैग हमने ऑलरेडी किया है तो इसको हटाते हैं, स्क्रिप्ट टैग रहने देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों फॉर्म टैग जो है उसको हटाते हैं। ये चीज़ हो जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे स्ट्राइप बटन क्लास ऐसे रहने देना है, और आपका यहाँ पे दोस्तों जो पब्लिश की है वो यहाँ पे आपको रख देना है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको अपने स्ट्राइप के डैशबोर्ड में डेवलपर टैब के अंदर आपको मिलेगा वेबुक, ठीक है, सॉरी API कीज, उसके अंदर दोस्तों आपको यहाँ पे आपका आपका जो की है वो ही मिलेगा, वही आपको सेटअप करना है। ये चीज़ हो जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अपना उसका जो भी आपको नेम रखना है वो चीज़ आप कर सकते हैं। ये दोस्तों $5 है, मतलब यहाँ पे दोस्तों अगर आपको $5 का पेमेंट करना है तो आपको इंटू 100 करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप $1 करना चाहते हो तो यहाँ पे 100 लिखना पड़ेगा, मतलब इंटू 100 होगा जब भी। तो यहाँ पे दोस्तों $5 का पेमेंट, डेटा करेंसी, और दोस्तों यहाँ पर डेटा इमेज भी हम सेट कर सकते हैं। इमेज में दोस्तों हम पूरा आइकॉन भी दे सकते हैं, वो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। इमेज के अंदर दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ हम सेटअप करेंगे, वेब फिक्स, ठीक है, उसका लोगो जो है वो यहाँ पे सेटअप कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों उसका लोगो जो है हमको इंस्पेक्ट में से मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे मैंने क्लिक किया, सिंपली ये जो लोगो यहाँ से कॉपी कर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों वो रख दे रहे हैं। तो ये चीज़ हो गई दोस्तों यहाँ पे हमारी। इसको हम रन करके मैं आपको दिखाता हूँ। मैक पेमेंट का राउट बनाना पड़ेगा दोस्तों सबसे पहले, तो यहाँ पे दोस्तों वो चीज़ कर ले रहे हैं, राउट कॉलन कॉलन, ठीक है, पोस्ट मेथड, और यहाँ पे दोस्तों पोस्ट मेथड के बाद मैक स्लैश पेमेंट, ये चीज़ हो गई, नेम, और यहाँ पे दोस्तों अपना राउट का नेम, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों आपका कंट्रोलर आएगा, कंट्रोलर के अंदर आपको पूरा सेटअप करना है, तो आपका कंट्रोलर जो है ऐसा कुछ आएगा, काम करेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे आपका जो कंट्रोलर है वो यहाँ पे उसका नेम स्पेस यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा, तो वो चीज़ कर दे रहे हैं, ठीक है। सिंपली ये चीज किया, उसके बाद हमने किया स्ट्राइप कंट्रोलर, स्ट्राइप कंट्रोल किया, और दोस्तों यहाँ पे क्लास लिखा और
सिंपली यहाँ पे दोस्तों मैक पेमेंट नाम का फंक्शंस, ठीक है, तो वो चीज़ भी यहाँ पे बना लेते हैं, मैक पेमेंट नाम का फंक्शन दोस्तों, और यहाँ पे रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे दोस्तों डॉलर इनपुट नाम का वेरिएबल यहाँ पे बनाते हैं, और यहाँ पे दोस्तों डीडी कर देते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं आपको वो चीज़ भी दिखाता हूँ, फॉर्म नाम का भी जो हमने यहाँ पे फाइल बनाया उसका भी राउट बना देते हैं, ठीक है। अब फॉर्म का राउट बनाया, सिंपली यहाँ पे पेमेंट फॉर्म ये चीज़ यहाँ पे ओपन किया, पेमेंट फॉर्म यहाँ पे दोस्तों गेट मेथड आएगा, ठीक है, और यहाँ पे फॉर्म पेमेंट ये चीज़ आ गई। गेट मेथड में दोस्तों ये चीज़ रन करना है, ठीक है, ये चीज़ आप यहाँ पे रन करेंगे तो आपको यहाँ पे अपना जो फॉर्म है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। देखिए पे विथ कार्ड, ठीक है, ये डिटेल्स दोस्तों यहाँ से आप सेट कर सकते हैं पूरा चीज़, ठीक है, तो यहाँ पे आपको वो चीज़ मिल जाएगा। अगर आपको बटन का नेम कुछ चेंज करना है तो वो भी आप कर सकते हैं, पे विद कार्ड लिखा हुआ है तो यहाँ पे अगर आपको कुछ चेंज करना है तो यहाँ से आप देख सकते हैं, उसका ऐसा कुछ होगा कि आप उसको भी चेंज कर सकें। देखिए यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा अगर आप ये चीज़ यूज़ करते हो, ठीक है, डेटा नेम तो ऐसा कुछ आपको मिल जाएगा उसका चेंज करने के लिए, क्लीनिंग सर्विसेज ऐसा कुछ लिखा हुआ है, और यहाँ पे दोस्तों हमने डेटा नेम में टी शर्ट लिखा हुआ है, तो सिंपली वो चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं डेटा लेबल नेम का कुछ है, तो उसको यहाँ पे आप देख के अपना जो भी आप उसका नेम रखना चाहते हो वो चीज़ भी आप यहाँ पे कर सकते हो। तो ये चीज़ थी उसमें, तो सारा कुछ दोस्तों आप ऐसा कुछ सेट कर सकते हो। ये चीज़ हो गया, मानो कि यहाँ पे सब्सक्राइब दिया तो यहाँ पे आपको वो चीज़ मिल जाएगी, देखिए सब्सक्राइब, ठीक है, तो वो चीज़ भी आप दोस्तों यहाँ पे चेंज कर सकते हो। और ये दोस्तों आपका पेमेंट का बटन आ गया, और यहाँ पे दोस्तों आपको इनटू 100 सेट करना है, अगर आपको $10 का पेमेंट करना है तो यहाँ पे आपको 1000 लिखना पड़ेगा तभी जाके वो चीज़ होगी। देखिए यहाँ पे $10 का पेमेंट, और यहाँ पे दोस्तों टेस्ट मोड, ठीक है, और यहाँ पे हमने जो लोगो यहाँ पे ऐड किया था तो वो लोगो भी यहाँ पे आ गया। टी शर्ट में जो लिखा हुआ है दोस्तों यहाँ पे आप नेम में देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप अपना ऑर्डर आईडी वगैरह सब कुछ सेट कर सकते हो, ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों मैक पेमेंट का भी ऑप्शन बना सकते हो। तो यहाँ पे दोस्तों लेबल में मैक पेमेंट का ऑप्शन बना दिया, सिंपली दोस्तों इसको रन करते हैं, देखते हैं यहाँ से ऐसा कुछ कोई भी ईमेल लेके, ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों फोटो डमी डेटा जो है वो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। यहाँ पे दोस्तों फ्यूचर डेटा आएगी, और यहाँ पे 1, 2, 3 सिंपली इसको पे किया, देखिए रन हुआ, सक्सेसफुली पे हुआ, और यहाँ पे दोस्तों ये चीज़ आ गई। यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ हम रह गई थी, तो यहाँ पे दोस्तों CSRF टोकन वो चीज़ यहाँ पे नहीं डाला था हमने, तो इस चीज़ की एरर है। सिंपली एक बार इसको वापस रन करते हैं, मैक पेमेंट, यहाँ पे दोस्तों कोई भी आप ईमेल ले सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों फोटो 4 बार डालते हैं, वापस एक बार ट्राई करते हैं, सिंपली पेमेंट किया, देखिए सक्सेस हो जाने के बाद दोस्तों ये जो स्ट्राइप का जो डेटा है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ये जो हमने यहाँ पे डीडी करके रखा हुआ था यहाँ पे दोस्तों ये मूव हो गया, और यहाँ पे जो उसका डेटा है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ये चीज़ हो जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे एक चीज़ और करनी है, वो मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आपको पेमेंट एक्सेप्ट करने के लिए आपको क्या चीज़ करना पड़ेगा, वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों ये चीज़ थी यहाँ पे पेमेंट एक्सेप्ट करने के लिए, यहाँ पे दोस्तों ये स्ट्राइप का पूरा ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे आपको पुट कर देना है सिंपली, ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों आपको टोकन में जो चीज़ आएगी वो यहाँ पे आपको सेट करनी है, स्ट्राइप टोकन, देखिए यहाँ पे स्ट्राइप टोकन जो है उसको यहाँ पे सेटअप कर देना है। डिस्क्रिप्शन में हमने जो भी दिया वो चीज़ आ जाएगी, और दोस्तों यहाँ पे अगर आपको कोई अमाउंट डालना है तो इनटू 100 करना पड़ेगा, ठीक है, मानो कि आपने $10 का किया तो यहाँ पे 1000, ठीक है, USD करेंसी। यहाँ पे दोस्तों आप थर्ड पार्टी को भी ट्रांसफ़र कर सकते हो, उसका यहाँ पे अकाउंट आप कनेक्ट करके उसको भी यहाँ पे आप उसको ट्रांसफ़र कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे इसको हम हटाते हैं, ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों एप्लीकेशन फी अमाउंट को भी हटाते हैं, ठीक है, ये चीज़ हो गई। अगर आप किसी कस्टमर के पास अपना ट्रांजेक्शन का फ़ी वगैरह ऐसा कुछ लेना चाहते हो तो ये चीज़ यहाँ से आप ले सकते हो, इसको भी हम हटाते हैं दोस्तों, ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों हमारा ट्रांजेक्शन का जो पूरा है वो यहाँ पे हो गया। सिंपली इसको रन करते हैं एक बार, और यहाँ पे मैं आपको डीडी दिखाता हूँ कि क्या उसमें डेटा आता है। यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ और आपको ये चीज़ यहाँ पे एक सेटअप करना रह गया था, वो चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ क्या जो चीज़ थी। देखिए यहाँ पे जो सीक्रेट की है वो भी आपको यहाँ पे सेटअप करनी पड़ेगी, तो वो चीज़ यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ। सीक्रेट की है आपको स्ट्राइप के डैशबोर्ड से आपको यहाँ से मिल जाएगी, देखिए यहाँ पे सिंपली मैंने क्लिक किया और जो सीक्रेट की है वो यहाँ पे मिल गई, ठीक है, उसको सेटअप कर दिया। वापस एक बार ट्राई करते हैं दोस्तों यहाँ पे पेमेंट करने की,
मैक पेमेंट किया, यहाँ पे दोस्तों ईमेल लिया कोई भी और यहाँ पे डमी डेटा डाला, सिंपली पे किया दोस्तों। देखिए अगर ये जो आपको रिस्पांस मिलता है ठीक है, तो मतलब आपका जो पेमेंट का जो आपका पूरा ऑब्जेक्ट है वो आपको यहाँ पे मिल गया दोस्तों। यहाँ पे आपको सारा डिटेल मिल जाएगा कि उसमें क्या क्या हुआ है। देखिए यहाँ पे अमाउंट वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, कैप्चर हुआ है कि नहीं, उसका स्टेटस क्या है दोस्तों। यहाँ पे देखिए सक्सेस स्टेटस है, मतलब ये चीज़ सारी आपको मिल जाएगी। अगर आपका पेमेंट फेल हुआ है तो वो चीज़ भी आपको मिल जाएगी। आपको यहाँ पे अलग अलग उसकी पूरा डेटा जो है वो अलग अलग आपको ऑब्जेक्ट में मिलेगा, तो यहाँ से आप कोई भी आप एक्सेस कर सकते हो। उसका टोकन क्या है, चार्ज आईडी क्या है, तो सारा कुछ दोस्तों आप यहाँ पे, ट्रांजेक्शन आईडी क्या है सारा कुछ वो भी आप देख सकते हो, किससे पेमेंट किया वो चीज़ भी यहाँ पे आपको मिल जाएगी ठीक है। तो ये चीज़ थी बेसिकली दोस्तों यहाँ पे। और दोस्तों यहाँ पे सक्सेस स्टेटस के थ्रू आप आगे जो अपना मूव है वो भी अपने वेबसाइट में इंटीग्रेट कर सकते हो कि अगर आपको सक्सेड मिल गया तो मतलब आपका पेमेंट जो है वो यहाँ पे एक्सेप्ट हो गया। तो दोस्तों ये चीज़ भी आप कर सकते हो। यहाँ पे दोस्तों हमारा पेमेंट जो है वो $10 का कंप्लीट हो गया ठीक है। और यहाँ पे मैं दोस्तों आपको एक बार दिखाता हूँ जो स्ट्राइप का डैशबोर्ड है उसमें। देखिए यहाँ पे दोस्तों $10 का जो पेमेंट किया वो यहाँ पे आ चुका है। देखिए पेमेंट मोड है यहाँ पे, टेस्ट मोड है ठीक है। देखिए हमने जो $10 का पेमेंट किया वो भी यहाँ पे आ चुका है। तो ये चीज़ थी बेसिकली दोस्तों, यहाँ पे आप ऐसा कुछ कर सकते हो। और अपने प्रोजेक्ट में आप लारावेल में स्ट्राइप पेमेंट जो है वो कैसे इंटीग्रेट होता है वो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया दोस्तों। यहाँ पे एक बार ये चीज़ कर दे रहे हैं कि अगर मुझे स्टेटस में सक्सेड मिलता है ठीक है, स्टेटस जो है ठीक है सक्सेड मिलता है, तो मैं यहाँ पे दोस्तों अब अपना जो वापस फॉर्म है उसको मैं ओपन करवाना चाहूँगा। तो ये चीज़ यहाँ पे कर दे रहे हैं ठीक है। रिटर्न रीडायरेक्ट राउट, और यहाँ पे दोस्तों राउट की जगह जो हमने दिए थे वो चीज़ यहाँ पे राउट बनाए थे फॉर्म पेमेंट का राउट, तो वो चीज़ यहाँ पे हम रख दे रहे हैं ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों विथ मैसेज पेमेंट एक्सेप्टेड डन सक्सेसफुली, तो ये चीज़ दोस्तों यहाँ पे हो गई सक्सेसफुली वाला पेमेंट। अगर आपका पेमेंट जो है सक्सेसफुली रहेगा तो वापस इस फॉर्म में हम रिडायरेक्ट हो जाएंगे। और यहाँ पे दोस्तों इसको हम एक बार जो है फॉर्म यहाँ पे बनाया था दोस्तों उसको यहाँ पे हम पूरा सेटअप कर दे रहे हैं ठीक है। इफ पेमेंट, अगर आपको यहाँ पे ऐसा कुछ मिलता है ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों एंड इफ, और यहाँ पे अपना जो मैसेज आएगा वो चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, तो वो चीज़ यहाँ पे हम सेट कर दे रहे हैं सेशन। और यहाँ पे अपना मैसेज स्पान टैग लिया दोस्तों यहाँ पे, और यहाँ पे दोस्तों उसका स्टाइल में कलर हमने दे दिया ग्रीन, तो ये चीज़ हो गई। अगर दोस्तों हमारा जो पेमेंट सक्सेसफुली रहता है तो ये चीज़ वापस एक बार ओपन हो जाएगी। वापस जाके देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे सिंपली इसको एक बार रन करते हैं ठीक है। रिलोड किया, मैक पेमेंट किया दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों कोई भी ईमेल डाल दिया, यहाँ पे डमी डेटा ठीक है, सिंपली पे किया दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पेमेंट हो जाने के बाद अगर हमारा जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली रहता है तो यहाँ पे हमको वापस एक बार सक्सेस, देखिए पेमेंट डन सक्सेसफुली, मतलब ये जो हमारा पेमेंट है वो भी यहाँ पे आ गया है। यहाँ पे दोस्तों एक बार मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, देखिए और $10 का जो पेमेंट है वो यहाँ पे सक्सेड हो चुका है। आपको यहाँ पे सक्सेस देखने को मिल जाएगा कि ये जो पेमेंट है वो यहाँ पे ऐसे कुछ सक्सेस होता है। तो दोस्तों मैंने आपको यहाँ पे दिखाया कि लारावेल 9 में स्ट्राइप पेमेंट कैसे करना है, कैसे हमको पूरा इंटीग्रेट करना है, वो चीज़ मैंने आपको यहाँ पे दिखाया। तो दोस्तों आप ऐसे कुछ अपने हिसाब से इंटीग्रेट कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही प्रोग्रामिंग रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में जो बेल आइकॉन है उसको दबा दीजिए ताकि जब भी हम नया वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।